bismillahir rahmanir rahim alaikum dear students i am your english teacher of class 2 hope you all will be fine with the grace of almighty allah as we have started the book exercises of unit 9 poem wet 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 today we will continue these exercises on book page number 40 so open book page number 40 इट्स योर बुक पेज नंबर फोर्टी एंड इट्स द टर्न ऑफ एक्सरसाइज सी अबाउट मी ऑल अबाउट मी एक्सरसाइज सी ऑल अबाउट मी इट्स अ क्रिएटिव राइटिंग ये तख्लीकी तहरीर है मतलब आप लोगों ने इसमें अपनी तरफ से वर्ड्स पुट करने हैं आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ठीक है सारा मेरे बारे में मतलब ये आपके बारे में है फर्स्ट सेंटेंस है आई एम नियरली मैं तकरीबन डैश की हूँ नाउ अब आप, आप आपको बताना है कि आप कितने साल के हैं सेवन के एट के या नाइन के तो जो टू क्लास वाले बच्चे होते हैं वो तकरीबन आठ साल के होते हैं ठीक है तो आई एम नियरली एट नाउ मैं तकरीबन आठ साल की हूँ अब सेवन एट नाइन जो करेक्ट ईयर है आप लोगों का वो आप लोग लिख लें ठीक है आई एम गेटिंग मैं होती जा रही हूँ या मैं होता जा रहा हूँ मोर ज़्यादा अब आपको फ़ील होगा ना कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो आप लोग सेंसिबल यानी हसास होते जा रहे हैं हर चीज़ के बारे में या सिली बेवकूफ़ होते जा रहे हैं समझदार हसास होते जा रहे हैं या बेवकूफ़ तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ऑबियसली वो सेंसिबल बच्चे सेंसिबल होते जाते हैं ठीक है हर चीज़ की उनको समझ आती है तो सेंसिबल लिख लें और अगर आपको फ़ील होता है कि हम बेवकूफ़ होते जा रहे हैं तो आप लोग सिली भी लिख सकते हैं ठीक है आई विल बी ग्रोइंग वेरी मैं हो जाऊंगी बहुत क्या आहस्ता आहिस्ता जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ या बड़ा होता जा रहा हूँ तो मैं क्या 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 हो जाऊँगा आपको क्या लगता है कि आप लोग टॉल लंबे होते जाएंगे या स्मॉल छोटे होते जाएंगे जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जा रही है तो लाजमी सी बात है ठीक है कि आप लोग आप लोग टॉल होते जाएंगे ठीक है शॉर्ट तो नहीं होंगे स्मॉल नहीं होंगे टॉल होते जाएंगे आई विल बी ग्रोइंग मैं हो जाऊंगी वेरी ज्यादा टॉल लंबी ठीक है या लंबा आई विल बी मूविंग मैं हरकत करूंगी करूंगी या मैं मैं बढ़, बढ़ूँगी टू डैश क्लास मतलब कि मैं आगे जाऊंगी मूविंग हरकत करना बढ़ना ठीक है तो मैं किस क्लास की तरफ बढ़ूँगी किस क्लास में हो जाऊंगी अभी आप टू क्लास में हैं इन शाला आप लोग मेहनत करेंगे तो लाजमी सी बात है अच्छे नंबर होकर लेकर पास हो जाएंगे तो आप लोग थर्ड क्लास में जाएंगे। आई विल बी मूविंग टू थर्ड क्लास में थर्ड तीसरी जमात की तरफ बढ़ूँगी सैकेंड या थर्ड सेकेंड में तो आप अब हैं फिर थर्ड की तरफ बढ़ेंगे ठीक है आई विल हैव अ मेरे पास होगा एक न्यू एक नया क्या टीचर उस्ताद फ्रेंड दोस्त स्कूल बैग या स्कूल का बस्ता देखें टीचर आपके न्यू हो जाएंगे कुछ टीचर्स तो वही रहेंगे ठीक है तो आप लोग लिख सकते हैं टीचर फ्रेंड्स तो पुराने ही अच्छे होते हैं ठीक है लेकिन आपके न्यू फ्रेंड्स भी बनेंगे तो फ्रेंड भी ठीक है और अगर आपको पता है कि न्यू क्लास में आपके लिए पेरेंट्स न्यू बैग भी खरीदेंगे तो आप लोग स्कूल बैग भी लिख सकते हैं ठीक है लेकिन एक ऑप्शन चूज़ करना है लास्ट वन है आई विल डैश मैं डैश करूँगी या करूँगा इन द समर गर्मियों में गर्मियों में आप लोग क्या करते हैं प्ले मैं खेलूँगा या खेलूँगी रीड पढ़ूँगा या पढ़ूँगी स्विम तैरूँगा या तैरूँगी रिवर में वैसे गर्मियों में स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है पानी से निकलने का दिल ही नहीं करता मैंने तो स्विम लिख दिया है वैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती ठीक है तो आप आप लोग समर में गर्मियों में जो करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे और एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोग यहाँ पर देख लें ये जो ब्लैंक ब्लॉक बना हुआ है खाली ब्लॉक है इसके ऊपर लिखा है ड्रॉ योर सेल्फ़ अपने आप को बनाए ऑन हॉलीडेज़ छुट्टियों पर छुट्टियों में मतलब इसका ये मतलब है कि छुट्टियों में आप लोग जिस हुलिए में ज़्यादातर होते हैं ठीक है अपने आप को उस तरह से ड्रा कर लें ठीक है बनाना है पिक्चर नहीं लगानी ड्रॉ योर सेल्फ कोई कार्टून बना लें जो आपके साथ मैच करता हो ठीक है लेकिन हॉलीडेज में आप लोग जो काम ज़्यादा करते हैं वो एक्टिविटी करते हुए आप लोग इस तस्वीर में दिखाई दें ठीक है मतलब अगर कोई रीडिंग करता है तो इसमें जो आप कार्टून आप बना रहे हैं अपना आप अपनी शक्ल अपनी पिक्चर जो आप बना रहे हैं तो आपके हाथ में बुक होनी चाहिए अगर स्विमिंग स्विम करना आपको अच्छा लगता है तो आप आ, मतलब आपकी हॉबी जो है गर्मियों में वो है हॉलीडेज़ छुट्टियों में जो आप काम करते हैं तो वो काम करते हुए आप लोग इस तस्वीर में दिखाई दें ठीक है तो आप लोग बहुत ज़बरदस्त सी पिक्चर इसमें ड्रा कर लें और इंशाल्लाह आफ्टर वेकेशंस में देखूंगी कि किसने अपने आप को बहुत प्यारा ड्रा किया है ठीक है so we have completed this exercise exercise c we will continue this these exercises on book page number 41 in the next video inshallah now thank you allah hafiz